तो भी पिक्स लैब एप्लीकेशन में गाइज एक इशू जो है देखने को मिल रहा है। जब भी हम गाइज पिक्स लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे गाइज परमिशन वाला जो है एरर जो हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हम परमिशंस को अलाउ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू जो है फेस करना पड़ रहा है। गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो जैसे ही गाइज हम पिक्स लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ रिस्टार्ट द ऐप एंड एक्सेप्ट द परमिशन और टर्न इट ऑन एट सेटिंग। यानी आप जो है एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करिए या जो है परमिशंस को एक्सेप्ट करिए। अब यहाँ पे गाइज अगर हम परमिशंस को एक्सेप्ट करने जाते हैं तो परमिशंस कहीं हमारा वहाँ पे दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे परमिशंस वाले पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे नो परमिशंस रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम परमिशंस को अलाउ भी करना चाहें तो यहाँ पे परमिशंस को हम अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये इशू काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ रहा है। गाइस आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे लाइव जो है इसको फिक्स करके दिखाऊंगा। 100% जो आपकी प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व होगी, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे गाइस सिंपली कैसे आपको इसको अलाउ करना है, सबसे पहले आपको इसको फोर्स स्टॉप कर देना है, सबसे पहला जो मेथड आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में गाइज यहाँ पे फिर से अगेन से ऐप इन्फो पे जाना है, और यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे स्टोरेज यूजेस पे जाना है, क्लियर कैशे और क्लियर डाटा कर देना है। इसको करने के बाद में गाइज एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपका इशू सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं आपको यहाँ पे और तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं हमारा इशू फिर भी वही आ रहा है, यहाँ पे हमारा इशू जो है सॉल्व नहीं हुआ है, और परमिशन हमें यहाँ पे जो है हम ग्रांट कर रहे हैं तो ग्रांट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कहीं भी जो है गैलरी वाले ऑप्शन पे जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे अगेन से प्लीज रीस्टार्ट द ऐप वाला इशू जो है देखने को मिल रहा है, और इस पे जाएंगे तो यहाँ पे परमिशंस, यहाँ पे नो परमिशंस रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब गाइज इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे इसका एक ओल्ड वर्जन कर लेना है, यानी ये जो है अभी आपको लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन में ही ये इशू जो है देखने को मिल रहा है गाइज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो वर्जन है इसको सिंपली गाइज आपको अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा नया वर्जन है गाइज, सॉरी ओल्ड वर्जन जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पे जाना गाइज, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल टेक्नो रेंज पे पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम पे भी आप टेक्नो रेंज लिख के सर्च कर सकते हैं तो वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा। अब उस चैनल पे जाना है गाइज, और आपको पिक्स लैब का इसी का एक थोड़ा सा ओल्ड वर्जन जो है कर लेना है। चलिए गाइज इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने इंस्टॉल कर लिया इसका ओल्ड वर्जन गाइज, और अब जब गाइज मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे हमें स्टोरेज का परमिशन यहाँ पे अलाउ करने का स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे अलाउ पिक्स लैब टू एक्सेस फोटोज वीडियोज म्यूजिक ऑडियो ऑन द डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे ये जो है चीज़ें आ गई हैं, आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है और अलाउ कर देना है, आपका यहाँ पे जो परमिशन है वो अलाउ हो जाएगा। बाद में चाहे आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट भी कर सकते हैं, एक बार यहाँ से अलाउ करके आप चाहें तो इसको लेटेस्ट वर्जन में प्ले स्टोर से अपडेट करेंगे तो आपका इश्यू जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज अब मैंने अलाउ कर दिया है, और यहाँ पे सक्सेसफुली हम अपने गैलरी वगैरह को एक्सेस कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी से जब भी इमेज लेना चाहूँगा तो यहाँ पे एक्सेस मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओल्ड वर्जन में यहाँ पे इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आप चाहे प्ले स्टोर से इसको अपडेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऐप इन्फो पे चल के दिखा भी देता हूँ। देख सकते हैं परमिशन पे जाऊंगा, यहाँ पे गाइज देख सकते हैं यहाँ पे परमिशन जो है अभी परमिशन वाले ऑप्शन पे टच हो रहा है, यानी गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके गाइज आप ये वाला इशू जो है फिक्स कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।